गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, ब्लड कलेक्शन से पहले एक बात है कि हमको ब्लड जो कलेक्शन करना है तो वो डिपेंड करता है टेस्ट पे, कि हमको क्या टेस्ट करना उस पर डिपेंड करता है। कि अगर हमको सिर्फ छोटा टेस्ट है, स्मॉलर क्वांटिटीज ब्लड सैंपल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, और हमको लार्जर क्वांटिटी चाहिए तो हमको वेनस ब्लड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ ब्लड में हम लोग तीन तरह से ब्लड कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लड में ब्लड में भी विदड्रॉन बाय थ्री मेथड्स, वेनस ब्लड, कैपिलरी ब्लड एंड आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, वेनस ब्लड हम लोग कौन कौन सा मेथड सेलेक्ट करते हैं ये फिर हम आपको बताएंगे फर्दर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्लड बाय वेनी पंक्चर, ब्लड कलेक्शन हम कर रहे हैं वेन पंक्चर करके। तो मेरा जो साइट सिलेक्शन होता है वेन का, ठीक है, क्या क्या साइट हम सिलेक्ट करते हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, आर्म यूज करते हैं। ठीक है, आर्म यूज करते हैं, उसमें टर्निकेट अप्लाई करते हैं और हम यूज करते हैं 19 और 20 गज वाली निडिल। ठीक है, और एक एंगल 35 टू 45 डिग्री एंगल पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं निडिल को वेन पंक्चर करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो मेरा साइट सिलेक्शन, कौन सा वेन हम सिलेक्ट करें, तो मेरा फर्स्ट चॉइस क्या होगा, फर्स्ट चॉइस मेरा मीडियन क्यूबाइटल वेन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरे पास क्या है कि डीपली प्लेस्ड है, हम उसको इजीली नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे पास और दूसरा ऑप्शन है कि राइट सेफेलिक वेन और बेसिलिक वेन भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये सब ऑप्शन नहीं है, ठीक है, हम नहीं लें इससे ब्लड, तो हम क्या करेंगे, कहीं पे भी वेन पंचर करके हम ब्लड ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस जो मेरा क्या है वो मीडियन क्यूबाइटल वेन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैपिलरी ब्लड पे। कैपिलरी ब्लड हम लोग दो तरह से, इन्फेंट और एडल्ट अलग अलग साइट है। ठीक है, एडल्ट और चिल्ड्रन में जो हम लोग जनरली करते हैं वो फिंगर प्रिक करके करते हैं। ठीक है, फिंगर प्रिक करते हैं, रिंग फिंगर जनरली यूज करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड का, और एयर लोब यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्फेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेट टो, जो अंगूठा, पैर का अंगूठा, उसको यूज करते हैं और हील यूज करते हैं। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ ब्लड बाय आर्टेरियल पंक्चर, आर्टरी ब्लड कलेक्शन हम लोग जनरली एबीजी के लिए करते हैं, एबीजी परफॉर्म करने के लिए आर्टेरियल ब्लड करते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए हम लोग इसको करते हैं, जिसमें हम लोग को क्या मालूम होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस में हम लोग ब्लड का पीएच, PCO2, PO2, ये सब कंसेंट्रेशन हो गया, बाइकार्बोनेट लेवल, बहुत सोडियम पोटेशियम, ये सब भी सारा चीज हम लोग इसमें एबीजी के अंदर आता है। अब इसमें जो साइट हम लोग सिलेक्शन करते हैं उसके लिए हमको टर्निकेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, हम क्या करते हैं, तीन साइट मेजर जो तीन हम लोग यूज करते हैं साइट, रेडियल आर्टरी एट द रिस्ट, रेडियल आर्टरी है मेरा रिस्ट पे, यहाँ पे हम फील करते हैं उसको, और विदाउट यूज ऑफ टर्निकेट हम इसको कलेक्शन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, अब एंटीकोगुलेंट हम समझ लेते हैं। एंटीकोगुलेंट हम किसको बोलेंगे, ये दो वर्ड से, दो वर्ड है एंटी एंड कोगुलेंट, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, दो वर्ड है एंटी, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, एंड कोगुलेंट, कोगुलेंट मीन्स होता है क्लोट, कोगुलेंट मीन्स होता है क्लोट। तो इसको अगर हम समझे तो क्या बोल रहे हैं कि अगेंस्ट क्लोट, तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। तो मेरा जनरली ब्लड का फिनोमिना है कि अगर हम ब्लड ड्रॉ करते हैं, विदड्रॉ करते हैं, ब्लड विदड्रॉ करने के बाद क्या होता है कि वो क्लोट कर जाएगा अगर हम उसको कोई एंटीकोगुलेंट उसमें एड नहीं करेंगे, तो एंटीकोगुलेंट क्या करता है, इसी क्लोटिंग को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि कुछ इंपोर्टेंट एंटीकोगुलेंट्स है जो हम लोग रूटीनली यूज करते हैं, वो क्या क्या है, हेपरिन, EDTA, डबल ऑक्सलेट, ट्राइसोडियम साइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड विद पोटेशियम ऑक्सलेट, ACD, CPD, CPDA एंड CPDAT। ठीक है, इसमें जो हेपरिन है, हेपरिन इसको हम लोग नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, मेरे शरीर के अंदर बैसोफिल्स भी क्या करता है, सेक्रेट करता है,
हेपेरिन, और इसी वजह से मेरे जो सर्कुलेशन में ब्लड क्लोट नहीं करता है। ठीक है, ये हेपेरिन में हम लोग को ज्यादातर तीन साल्ट यूज करते हैं, तीन साल्ट से होता है हेपेरिन का। वो क्या क्या है? सोडियम हेपेरिन, सोडियम हेपेरिन, ठीक है, अमोनियम हेपेरिन एंड लिथियम हेपेरिन, अमोनियम हेपेरिन एंड लिथियम हेपेरिन, ये तीन साल्ट वाला हम लोग हेपेरिन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बोले ईडीटीए। ईडीटीए क्या है? इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, ये कॉमनली यूज होता है। दिस ईडीटीए इज कॉमनली यूज, ठीक है, इन हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में खास करके हमको जितने भी ज्यादातर टेस्ट हैं हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, इसमें क्या करते हैं हम लोग ईडीटीए यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको बोलते हैं इट इज द कॉमनेस्ट एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट हम बोलते हैं डबल ऑक्सलेट। डबल ऑक्सलेट क्या? ये दो ऑक्सलेट का मिक्सचर है, ठीक है, अमोनियम ऑक्सलेट एंड पोटेशियम ऑक्सलेट। क्या है? अमोनियम ऑक्सलेट और प्लस पोटेशियम ऑक्सलेट, ठीक है, पोटेशियम ऑक्सलेट का। ये 3:1 में, 3:2 में होता है रेशियो इसका। बाद में हम लोग इसका कंपोजिशन सब पढ़ेंगे कि कितना प्रोपोर्शन होता है एंटीकोगुलेंट्स का, ठीक है, और कितना अमाउंट ऑफ सैंपल के लिए हमको कितना एंटीकोगुलेंट की जरूरत है। नेक्स्ट हम बोलते हैं ट्राइसोडियम साइट्रेट। ट्राइसोडियम साइट्रेट ये हमको दो कंसेंट्रेशन में हम लोग यूज करते हैं। वो क्या क्या करते हैं? एक 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट, ट्राइसोडियम साइट्रेट पीटी के लिए करते हैं, कोगुलेशन स्टडी, जितना भी पीटी एपीटीटी, ठीक है, इसके लिए करते हैं, या फाइब्रिनोजन एस्टिमेशन, जितना कोगुलेशन स्टडीज है में क्या होता है 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज होता है। उसके बाद दूसरा कंसेंट्रेशन मेरा क्या है? 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट हम यूज करते हैं। किसके लिए हम यूज करते हैं ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज करते हैं? हम ESR के लिए, ठीक है, जब हम वेस्टर्न गैन मेथड से एस्टिमेशन करते हैं ESR का तब। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं सोडियम फ्लोराइड विथ पोटेशियम ऑक्सलेट, इसका यूज हम लोग करते हैं शुगर एस्टिमेशन के लिए, ब्लड शुगर एस्टिमेशन, ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोडियम फ्लोराइड विद पोटेशियम ऑक्सलेट। सोडियम फ्लोराइड क्या करता है? मेरा वर्क करता है, ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है ग्लाइकोलाइसिस को, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होने देता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो इसी वजह से मेरा शुगर जो होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, और पोटेशियम ऑक्सलेट वर्क करता है एज अ एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट मेरा सीपीडी, एसीडी एंड एसीडी, सीपीडी, सीपीडीए एंड सीपीडीएटी, ये जितने भी चार हैं ये यूज होता है। दीज एंटीकोगुलेंट्स आर यूज्ड इन ब्लड बैंकिंग, ब्लड बैंकिंग में यूज होता है, ठीक है, ब्लड बैंकिंग में कौन कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज होता है? एसीडी, सीपीडी, सीपीडीए एंड सीपीडीएटी। अब इसमें ब्लड बैंकिंग में जो यूज हो रहा है वो ज्यादातर कॉमनली इनको सीपीडीए यूज करते हैं लोग, ठीक है, जिसमें ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है 28 डेज होता है, ठीक है, 28 डेज ब्लड स्टोर करके रखता है, ब्लड को मेंटेन करके रखता है। लेकिन ये सब क्या है? डेरिवेटिव सही, एडिनिन हमने इसमें ऐड किया, मतलब कि ये इनहांस करता है ब्लड को स्टोरेज की कैपेसिटी को। उसके बाद और ऐड किया हमने थायमिन, ये और उससे ज्यादा स्टेबिलिटी को इनहांस करता है।